हेलो दोस्तों, आज हम बनाएंगे तिल की पापड़ी। ये खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती हैं और तिल कितने ज़्यादा गुणकारी होते हैं ये तो आप सभी को पता है। सर्दियों में हर किसी को खूब सारे तिल खा लेने चाहिए, क्योंकि एक तो ये तासीर में भी गर्म होते हैं और इसके फ़ायदे बहुत ज़्यादा हैं। जिन लोगों को बार बार बाथरूम वगैरह जाने की दिक्कत है, वो भी अगर तिल कुछ दिन तक कंटिन्यू खाते हैं तो उनको भी बहुत ज़्यादा राहत मिलती है। आप इनको गुड़ या चीनी किसी के भी साथ इन पापड़ी को बना सकते हैं। एकदम ही आसान रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करूंगी, कुछ छोटे छोटे टिप्स मैं आपको इसमें बताऊंगी, जिससे आप ये ढेरों पापड़ी एक बार बना के स्टोर कर सकते हैं और लंबे टाइम तक ये सेफ रहती हैं, सुरक्षित रहती हैं, ये ख़राब भी नहीं होती। तिल पापड़ी बनाने के लिए सबसे पहले हमें तिल लगेंगे, तो मैंने ये 3/4 कप तिल लिया है। अब इसे हम रोस्ट करेंगे लो टू मीडियम फ्लेम पे। 2 मिनट लगते हैं मैक्सिमम इसको रोस्ट होने में। एक बार जब आपकी कढ़ाई गर्म हो जाएगी तो ये फटाफट से भुन जाते हैं, क्योंकि बिल्कुल ये बारीक बारीक होते हैं। गैस का फ्लेम आपको बिल्कुल लो पे रखना है। जब इनका हल्का सा कलर चेंज हो जाए और चट चट की इसमें से आवाज़ भी आने लग जाती है, तब आप गैस का फ्लेम बंद कर दें। इस तरह से अगर आप लगातार इसको चलाते रहेंगे ना, तो ये बहुत ज़्यादा डार्क नहीं होंगे और अच्छे से भुन भी जाएंगे। तो तिल हमारे भुन गए, गैस को बंद करके अब इनको हम एक अलग प्लेट में निकाल के ठंडा करेंगे, क्योंकि कढ़ाई बहुत ज़्यादा गर्म है, नीचे से ये जल भी सकते हैं। अब लेंगे हम एक पैन और जितने हमने तिल लिए थे उससे आधी मैंने ले ली है चीनी। मैं आपको मेजरमेंट बता देती हूँ, आप ज़्यादा क्वांटिटी में भी बना सकते हैं। जितने आप तिल लें उससे आधी आपको चीनी लेनी है। अगर आप बहुत ज़्यादा मीठा खाते हैं तो थोड़ी सी आप बढ़ा सकते हैं। वैसे इसमें कोई परफेक्ट मेजरमेंट नहीं होता है, ज़्यादा या कम मात्रा में आप इनको बना सकते हैं। और गैस का फ्लेम बिल्कुल मैंने लो पे रखा हुआ है। इसमें अभी हमें ना पानी डालना है चीनी में, ना ही घी डालना है। बिल्कुल इसको इस तरह से लगातार चलाते हुए हमें चीनी को पिघलाना है। अभी चीनी बिल्कुल साबुत है, थोड़ी देर में ये भुरभुरी सी हो जाएगी, जैसी बूरा होती है ना उसके जैसी। अभी कई सारे रूप बदल लेगी चीनी। चीनी मेल्ट होनी शुरू हो गई। ये कैरेमल बनाते वक्त आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है। आपको जो गैस का फ्लेम है बिल्कुल ही लो पे रखना है, उसके बाद इसको लगातार चलाते भी रहना है, नहीं तो कई बार ये नीचे से जल भी जाता है। तो इस तरह से आप चलाते रहें। अभी थोड़ा सा देखिए स्टिकी स्टिकी हो गया है, चिपक रहा है। जैसे जैसे ये मेल्ट होता जाएगा एकदम ही इसका कलर भी चेंज हो जाएगा, और जो चम्मच पे भी चीनी लग जाती है साइड में भी, इसको आप साथ के साथ ही हटा लें, ताकि इक्वली सारा हमारा जो ये कैरेमल है बनके तैयार हो जाए। यहाँ पे जल्दबाजी नहीं करेंगे, और कुछ 4 से 5 मिनट बाद देखिए लगभग सारी चीनी यहाँ पे मेल्ट हो गई। कुछ कुछ दाने मुझे दिख रहे हैं, 1-2, इनको भी पिघलने देंगे अच्छे से। और जो चम्मच पे लगती है ना, इसको भी मैंने 2-3 बार हटा लिया है, चिपक जाती है चम्मच पे, ये स्पैचुला वगैरह पे चीनी चिपक जाती है, तो उसको भी आप हटा हटा के इस तरह से इसमें डालते रहें। तो देखिए चीनी ने कितने सारे रूप बदले हैं। सबसे पहले ये एकदम सफ़ेद दाने थे, उसके बाद थोड़ी सी भुरभुरी हो गई, उसके बाद फिर ये ट्रांसपेरेंट हो गई थी, और अभी देखिए ब्राउन हो गई है। तो कैरमल हमारा बिल्कुल बनके तैयार हो गया है, पूरी चीनी अच्छे से मेल्ट हो चुकी है। ये बस सिर्फ इसकी यही पहचान है कैरमल बनने की, और मैंने इसको लगातार चलाया है, कहीं पर भी छोड़ा नहीं। पूरे कैरमल को हम इस तरह से बीच में कर देंगे, साइड साइड में जो चिपक जाता है उसको भी। अब मैं इसमें डालूंगी ये 1/2 चम्मच घी। इससे जो हमारी पापड़ी है इस पर बहुत ही अच्छी साइन आ जाएगी घी डालने से। आप इसकी जगह चाहें तो, अगर आपके पास मूंगफली का तेल है तो वो भी डाल सकते हैं, तिल का तेल है तो वो भी 1 चम्मच डाली जा सकती है, लेकिन घी से ज़्यादा अच्छा मुझे लगता है टेस्ट और फ्लेवर आता है। घी डालने के बाद एक बार फिर से इसके साथ अच्छे से मिक्स कर देंगे। मैं एक बार आपको क्लोज से दिखा देती हूँ, इस तरह का कलर हो गया है, देखिए साइन आ गई है ना कैरेमल पे भी चीनी की वजह से। अब जो हमने तिल भून के रखे हुए थे वो इसके अंदर डाल के मिक्स कर देंगे।
और ये थोड़े से पिस्ता और इलायची दो तीन मैंने कूट के एक साथ रख ली थी, ये भी इसके अंदर डाल देंगे। आप और भी कोई ड्राई फ्रूट यहाँ पे डाल सकते हैं, क्योंकि बाद में हमें टाइम नहीं मिलेगा, ये जो हमारी पापड़ी है बहुत जल्दी सेट हो जाती है। तो आपको जो भी फ्लेवर ऐड करना है या कोई ड्राई फ्रूट ऐड करना है तो आप इसी टाइम पे ऐड करके इनको मिक्स कर दें। इसको फटाफट से हम मिक्स कर लेंगे और अभी हम इसको गैस पर से उतारेंगे नहीं, बहुत जल्दी ठंडी हो जाती है, बहुत जल्दी ये जमने भी लग जाती है। तो ये मैंने पहले से ही देखे चकला एक प्लेट और ये बेलन, इन सब पे घी लगा के रख लिया था। ये काम आपको पहले ही करके रख लेना है, बाद में आपको बिल्कुल टाइम नहीं लगेगा। और आपको जितनी भी बनानी है पापड़ी उतने आप बर्तन ले सकते हैं, ये बहुत ज़्यादा पतली भी बन सकती है, तो आप चाहें तो 3-4 बना लें या 2, जितनी आपको बनानी है बना सकते हैं। अब हम इसको फटाफट से पहले हाथ से इस तरह से थोड़ा सा गोल कर देंगे पॉलीथीन लगा के, और इसको जल्दी से बेल लेंगे। चकले पे तो देखिए साथ के साथ ही उतरनी भी शुरू हो गई है, देखिए सेट होने लगी ना, टाइट हो गई है। बस इस पापड़ी में यही है कि अगर आप 2-3 जने हैं तो ज़्यादा अच्छा है इसको बेलते वक्त, क्योंकि एक हम पापड़ी जैसे बेलते हैं तब तक हमारा दूसरा जो मिश्रण है वो ठंडा होके सेट होने लग जाता है। लेकिन अगर 2-3 जने हैं तो आप 2-3 जगह फैला के इसको फटाफट से बेल सकते हैं। और जितना आप चाहें उतना इसको पतला कर सकते हैं, जैसे आप बेल के आप हटेंगे तब तक तो ये सेट हो चुकी होंगी और बन के तैयार हो चुकी होंगी। चकले वाली तो आप देख ही रहे हैं सेट हो गई। वैसे मैंने ये पॉलीथीन लगा के बेल लिया, अगर आपने चकले पे घी लगा लिया तो आप ऐसे भी बेल सकते हैं, चिपकता नहीं है घी लगाने के बाद। तो अब इसको हम सेट होने देते हैं, ये जो प्लेट वाली है, चकले वाली हमारी सेट हो चुकी साथ के साथ, ये देखिए। और प्लेट पे अगर आपसे हटाने में थोड़ी सी दिक्कत हो रही हो तो आप इसको कुछ सेकंड के लिए, 2-4 सेकंड के लिए प्लेट को गैस पे रख सकते हैं। देखिए है ना एकदम बढ़िया सी, एकदम ही क्रिस्पी हो गई है ये। अब इसको प्लेट वाली को भी हटाएंगे। मैंने इसको हल्का सा गर्म कर दिया था, इसे इजीली निकल गई है। देखिए जो टुकड़े टुकड़े साइड में निकल रहे हैं ना, इतने ज़्यादा क्रिस्पी हो गए, बहुत टेस्टी बनी है ये। सारे मेजरमेंट इसमें एकदम ही परफेक्ट हैं। चीनी की मात्रा मीठा आप टेस्ट के हिसाब से थोड़ा सा कम ज़्यादा कर सकते हैं, ऐसा कोई साइंटिफिक रीज़न नहीं है कि आपको इतना ही रखना है, आप थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं, थोड़ा सा कम भी कर सकते हैं। ये देखिए कितनी शाइनी, कितनी बढ़िया, एकदम ही पतली पतली हमारी तिल की पापड़ी बनी हुई है। बस इसको आपको कुछ ही बातों को ध्यान में रखना है जब आप तिल की पापड़ी बनाएं। एक तो आप जिस बर्तन पे इसको फैला रहे हैं उसको पहले से ही घी से ग्रीस करके रख लें, घी या तेल से जैसे भी। उसके बाद अगर घर में 2-3 जने हैं तो आप उन सबकी मदद लेके इसको फटाफट से बेल डालिए, क्योंकि ये जैसे ही आप इसको सेट करने के लिए छोड़ते हैं तुरंत के तुरंत जमनी शुरू हो जाती है। तो बहुत ज़्यादा देर तक अगर आप ऐसे ही छोड़ देंगे तो ये वहीं जम जाएगी, इसलिए 2-3 जने हैं तो सारे मिलके फटाफट इसको बेल लीजिए। तो हमारी बहुत बढ़िया पापड़ी बन गई है, मार्केट से कहीं ज़्यादा टेस्टी बनी है और सस्ती भी कितनी पड़ती है घर में बनाई हुई। ये देखिए तोड़ने से आपको पता लग रहा होगा कितनी ज़्यादा क्रिस्पी है ये। इनको सेट होने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगा, साथ के साथ देखिए बनके तैयार हो गई हैं। तो आप अपने घर पे जितनी मर्जी चाहिए पापड़ी बना के रख सकते हैं। जल्दी मैं आपके साथ गुड़ से भी ये पापड़ी बना के शेयर करूँगी, गुड़ के साथ भी बना सकते हैं। देखिए एकदम क्रिस्पी कंची और इतनी ज़्यादा टेस्टी है, और जो हमने इसमें इलायची डाली है उसका तो बहुत ही बढ़िया इसमें फ्लेवर भी आ रहा है। आप इन पापड़ी को बना के सेट होने के बाद किसी भी एयरटाइट डब्बे में भर के किसी ठंडी जगह पर रख दीजिए, लंबे टाइम तक ये ऐसी ही रहेंगी। अगर आप किसी गर्म जगह पर रख देंगे तो ये थोड़ा सा चिपचिपी हो जाएंगी, बाकी कुछ नहीं, लेकिन अभी तो सर्दियां हैं, जहां भी रखेंगे ठंडी है। आई होप आज की रेसिपी आपको अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कर दें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ, अपने अच्छे अच्छे कमेंट मुझे ज़रूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें।
अब हम इसको स्टोर करेंगे। अगर आपके पास बड़ा कोई बर्तन है, कोई बड़ा डब्बा है, तो आप इस तरह साबुत की साबुत रख सकते हैं। मैं इनको तोड़ तोड़ के रख रही हूँ, तो नीचे मैंने एक पेपर डाल दिया है और ऊपर हम इनको डाल के डब्बे को बंद कर देंगे। डब्बा आपको एयर टाइट ही लेना है, क्योंकि बाहर से जब इसमें अगर थोड़ा सा भी मॉइस्चर आ जाता है तो थोड़ी चिपचिपी सी हो जाती हैं। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, बहुत जल्द मिलेंगे एक और नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए आप सभी को गुड बाय, खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।